विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अतीत में कोलंबिया, रूडीनिया, पैंजिया जैसे सुपर महाद्वीप पृथ्वी पर बने और बिखर गए। हाल ही में हुआ एक अध्ययन बताता है कि सुपर महाद्वीप बनने का एक नियमित चक्र चलता रहता है जो 60 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। पृथ्वी के मेंटल में गर्म पिघली चट्टानों के प्रवाह के आधार पर ये अनुमान भी लगाया गया है कि पृथ्वी पर अगला सुपर महाद्वीप कब और कहाँ बनेगा। हमारे महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित हैं और ये टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती हैं। मेंटल पानी उबालने वाले बर्तन की तरह काम करता है, यानी पृथ्वी का गर्म पिघला कोर मेंटल के निचले हिस्से में मौजूद चट्टानों को गर्म करता है जिससे वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। इसी दौरान धनसान क्षेत्र में पृथ्वी की भूभर पट्टी के निचले हिस्से में मौजूद ठंडी चट्टाने मेंटल के निचले हिस्से की ओर जाने लगती हैं। चट्टानों के इस चक्रीय प्रवाह को मेंटल संवहन कहते हैं। मेंटल संवहन महाद्वीपीय प्लेटों के प्रवाह को गति और दिशा देता है जिससे लाखों करोड़ों वर्षों में उनका स्थान बदलता रहता है। इस दौरान कभी कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़कर सुपर महाद्वीप बनाते हैं। सुपर महाद्वीप चक्र के बारे में अधिक जानने के लिए चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के भूवैज्ञानिकों ने मेगा महाद्वीपों पर विचार किया। मेगा महाद्वीप सुपर महाद्वीप से छोटे होते हैं और कभी उनका हिस्सा रहे होते हैं, जैसे गोंडवाना मेगा महाद्वीप। ये लगभग 52 करोड़ साल पहले बना था और इसके 20 करोड़ वर्ष बाद इसी से पैंजिया सुपर महाद्वीप बनने की शुरुआत हुई थी। गोंडवाना से पैंजिया कैसे बना ये जानने के लिए शोधकर्ताओं ने जीवाश्मों और विभिन्न काल के उपलब्ध अन्य प्रमाणों के आधार पर अलग अलग काल के अनुसार महाद्वीपीय प्लेटों की स्थिति को चित्रित किया और पता लगाया कि महाद्वीपों की स्थितियां मेंटल प्रवाह के मॉडल से किस तरह मेल खाती हैं। पाया गया कि महाद्वीप का प्रवाह धनसान क्षेत्र की ओर बहाव की दिशा में था। इस क्षेत्र में मेंटल के ऊपरी हिस्से में मौजूद चट्टाने ठंडी होकर नीचे की ओर खिसकती हैं। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक इस क्षेत्र को धनसान घेरा कहते हैं क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें बहुत मोटी होती हैं जो नीचे नहीं जा पाती और इसलिए इस क्षेत्र में जाकर अटक जाती हैं। वे केवल इस घेरी की परिधि से लगकर घूम सकती हैं और इस प्रक्रिया में अन्य महाद्वीपों से जुड़ सकती हैं। इस तरह गोंडवाना से पैंजिया बना। जियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध निष्कर्ष के मुताबिक जब पैंजिया लगभग 17.5 करोड़ साल पहले टूटा तो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों के पास इसने रिंग ऑफ फायर नामक धनसान क्षेत्र का निर्माण किया जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वर्तमान मेगा महाद्वीप यूरेशिया को बनाने वाले कई महाद्वीप पहले ही जुड़ चुके हैं और यूरेशिया रिंग ऑफ फायर के विपरीत दिशा में जा रहा है। इस तरह बहते बहते 5 से 20 करोड़ वर्ष बाद यूरेशिया अमेरिका से टकराएगा जो एक नए सुपर महाद्वीप को जन्म देगा। भूवैज्ञानिकों ने इस अगले सुपर महाद्वीप को अमेशिया नाम दिया है। इस बात पर बहस जारी है कि अमेशिया कहां जाकर रुकेगा, लेकिन इस अध्ययन के मॉडल के अनुसार संभवतः ये वर्तमान के आर्कटिक महासागर के केंद्र में होगा।